छत्रीबाग में घर घर जाकर दिए प्रभु वेंकटेश ने दर्शन। प्रभु वेंकटेश का हुआ महाभिषेक। जब वेंकटेश प्रभु निकले भ्रमण पर तो झूम उठे भक्त। छत्रीबाग में मनी दीपावली। हर भक्त ठाकुर जी की अगवानी पदरावनी को लालायित था। घर घर में दीपकों की कतार के साथ सजी धजी सुंदर रंगोली, भव्य आतिशबाजी करते युवाओं की टोली, नाचते गाते डांडिया करती युवतियों की टोली और गोविंदा गोविंदा का जयकारा हर घर आंगन में। बाहर सजी हुई रंगोली पूरे मार्ग पर अनेक मंचों से पुष्प वर्षा करते हुए भक्त पूरा छत्रीबाग परिसर आज दीपावली मना रहा था। आज ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग से छोटी रथ यात्रा के रूप में भगवान की यात्रा पूरे छत्रीबाग में निकली, जिसमें गाजे बाजे के साथ ही ढोल व वाद्य यंत्र के साथ बग्गियों में विराजे संत और नागौरिया पीठाधिपति स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज भक्तों के बीच आशीर्वाद दे रहे थे। साथ ही घर के बाहर रंगोली बनाकर उस पर स्वामी जी के चरणों का पूजन किया जा रहा था। इतनी तेज बारिश के बाद भी प्रभु की अगवानी में भक्तों का उत्साह कम नहीं दिखा। हर भक्त ठाकुर जी की पदरावनी करने को बेसब्र था। साथ ही भजन गायक हरिकिशन जी साबू भोपू जी, भजनों का रसपान सभी भक्तों में अंजनी के लाल हनुमान, मीठे रास से भरी राधा रानी लागे, आजा आजा कान्हा मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार करा रहे थे और भक्त भी जमकर खूब नृत्य कर रहे थे। साथ ही सजे धजे रजत श्री हनुमान वाहन पर प्रभु वेंकटेश विराजमान होकर निकले। वैसे ही भक्तों द्वारा गोविंदा गोविंदा का जय घोष होने लगा। भक्तों की निगाहें अपलक प्रभु को निहार रही थी। पूरे मार्ग पर सभी बारंबार कपूर आरती व पूजन कर रहे थे। अनेक मंचों से प्रभु वेंकटेश व गुरुदेव के साथ ही भक्तों पर भी पुष्प वर्षा की जा रही थी। इस अवसर पर प्रभु वेंकटेश का विशेष श्रृंगार कर प्रभु ने गरुड़ वाहन पर दर्शन दिए और बाहर पूरे मंदिर परिसर में ग्रीन पौधे लगाकर प्रभु के लिए बगीचा बनाया गया था। वहीं गादी घर में रामानुज स्वामी जी के जीवन चरित्र का दर्शन कराया जा रहा है। इसके पूर्व सुबह वैकंठ रमन गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा प्रभात फेरी निकली। प्रातः प्रभु वेंकटेश का महाभिषेक दूध दही घी शक्कर इत्र केसर शहद फलों के रस आंवला अरीठा अन्य सुगंधित द्रव्य पदार्थों व अनेक वस्तुओं द्वारा नदियों के जल के रजत कलशों से नागौरिया पीठाधिपति स्वामी जी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज व संतों द्वारा दक्षिण भारत के भट्ट स्वामी श्री मन्नरायन स्वामी ने समूह द्वारा स्त्रोत पाठ कराकर महाभिषेक किया गया। विशेष रूप से वेंकटेश प्रभु को मक्खन लगाया गया था व हल्दी लगाकर तुलसी माला धारण कराई गई थी। यजमान सत्यनारायण शर्मा परिवार को कलश पूजन कराकर संकल्प कराया गया। इस अवसर पर महेंद्र नीमा, राम जाखेटिया, काशीराम सोनी, सुरेश डालिया, सत्यनारायण तोतला, राजेश लालावत, चेतन लड्डा, परीक्षित जाजू, अंकित पाठक, पवन भलिका, विजय सोमानी आदि मौजूद थे। तत्पश्चात धर्म सभा में अयोध्या से पधारे श्री अनंताचार्य जी, पुष्कर से पधारे वेंकटाचार्य जी, उज्जैन के युवराज श्री माधव प्रपन्नाचार्य जी, वृंदावन से पधारे श्री पुड्डीकर स्वामी जी, श्री मुरारी नारायणचार्य जी, श्री दिव्यांश वेदांती जी पधारे थे। ब्रह्मोत्सव का ये 50वां वर्ष है। 1970 से शुरू हुई ये परंपरा हमारे पूर्व आचार्य की कृपा से प्राप्त हुई है। उन्हीं की कृपा से हम सभी इस भगवत कार्य में सहभागी हो पा रहे हैं और इंदौर में देश की तीसरी बड़ी यात्रा उनकी कृपा से निकाली जा रही है। शुभ कार्य में किया गया खर्च आपकी समृद्धि में वृद्धि करता है और सनातन धर्म को चलायमान रखने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। अतः वैष्णव को अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करते रहना चाहिए। उपरोक्त विचार वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग पर चल रहे ब्रह्मोत्सव में नागौरिया पीठाधिपति स्वामी जी श्री विष्णु प्रपन्ना जी ने व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि धर्म कार्य आडंबर रहित और सात्विक होना चाहिए। संतों के प्रवचन के बाद दोपहर 12 बजे विशेष उत्सव तिरुपवाड़ा और रात्रि में वेंकटेश प्रभु की परिक्रमा गरुड़ वाहन पर निकालकर भजन गायक द्वारकादास मंत्री देवास के भजन भी हुए। Yeah.
channel and press the bell icon for more updates.